बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज की इस वीडियो में आपको खुराक महफूज करने के तरीके बताएंगे कि वायरसेस या बैक्टीरिया से खुराक को किस तरह महफूज रख सकते हैं काफ़ी अर्से के लिए, या वैसे भी जो बैक्टीरिया या वायरस खुराक पे हमला करते हैं उनसे बचाव के आज तरीके बताए जाएंगे। क्योंकि आज चल के दौर में इस दौर के अंदर जो है वायरस के हमले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं कि वायरस से बचाव के कौन कौन से तरीके हैं। खुराक को महफूज करने के तरीके, खुराक को महफूज करने के तरीके, सबसे पहली बात कि खुराक जब भी महफूज करें कोई भी तरीका अपनाएं दो बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि खुराक के हकीकी जायका में तब्दीली ना हो, हकीकी जायका तब्दील ना हो, यानी कि ओरिजिनल जायका है खुराक का वो तब्दील होना चाहिए। नंबर दो, इंसानी सेहत के लिए मुजर ना हो। जो खुराक आप महफूज कर रहे हैं उसके लिए आपके पास दो पॉइंट अहम है, दो चीज़ें अहम हैं। पहली बात तो यह है कि वो खुराक जो है हकीकी जायका उसका सेम होना चाहिए, यानी कि जायका तब्दील ना हो। दूसरी बात, इंसानी सेहत के लिए मुजर ना हो। पहला जो तरीका है वो है नमी खत्म करना, नमी को खत्म करना। ये खुराक महफूज करने का सबसे कदीम तरीका है कि खुराक में से नमी ख़त्म करने के लिए इसे गर्म करते हैं, तो जब गर्म करेंगे तो ये बैक्टीरिया या वायरस हैं वो तलफ हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से खुराक जो है ज़ाय होने से महफूज रह जाएगी। ये बहुत ही पुराना किस्सा तरीका, क्योंकि खुराक के अंदर नमी हर हाल में मौजूद होती है। इसका दूसरा तरीका क्या है कि नमक या चीनी का इस्तेमाल, नमक या चीनी का इस्तेमाल। खुराक को महफूज करने के लिए नमक या चीनी का इस्तेमाल करें। नमक भी चीनी भी जो है खुराक को महफूज करने का एक तरीका है। जब आप खुराक के अंदर नमक चीनी का इजाफा करते हैं तो खुराक में मौजूद जो पानी होता है उसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जिस वजह से जो जरासीम होते हैं उनके खुलियों के अंदर या उसके खुलियों के साथ साथ ये जो गाढ़ा सा मैल होता है ये भर जाता है, जिसकी वजह से खुलिए का पानी जब निकल के इसके साथ मिलता है तब जाके वो जो है जरासीमों की नशोनुमा रुक जाती है, जिसकी वजह से खुराक ज़ाय होने से महफूज हो जाती है। नंबर थ्री जो है, दर्जा हरारत में तब्दीली, दर्जा हरारत में तब्दीली। दर्जा हरारत में तब्दीली, दर्जा हरारत कम या ज़्यादा करके हम खुराक को महफूज कर सकते हैं। अगर ज़्यादा करेंगे तो स्पोर्स वगैरह तबाह हो जाते हैं, इसकी वजह से खुराक महफूज जहरों से महफूज हो जाती है, या फिर कम करेंगे जरासीमों की नशोनुमा रुक जाती है, वो अपनी नस्ल को आगे नहीं बढ़ा सकते, जिसकी वजह से खुराक जो है वो ज़ाय होने से महफूज रहती है। इसके अलावा कीमियाई अशिया का इस्तेमाल, कीमियाई अशिया का इस्तेमाल। खुराक को महफूज करने का एक और तरीका भी है जिसमें हम कीमियाई अशिया का इस्तेमाल करते हैं। वो कीमियाई अशिया क्या होते हैं जो फूड में जानदारों को अफजाइश को रोक देते हैं या उन्हें ख़त्म कर देते हैं। उसमें कुछ कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटाशियम के नमकियात होते हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम जो है सल्फाइट है, या फिर पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइट है, ये खुर्दबीनी जानदारों की नशोनुमा को रोक देते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते। इसके अलावा जो होता है जनाब ये फफूंदी के लिए जो होते हैं प्रोपाइलीन
पानी के एसिड्स होता है या बेंजोइक एसिड वगैरह होती हैं। इसी तरह जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है खुराक में मौजूद जो तेजाबियत होती है उसको ख़त्म कर देता है। इसके अलावा सोडियम डाई हाइड्रोफॉस्फेट खुराक की शक्ल सूरत को महफूज रखते हैं। तो ये जो है ऐसी कीमियाई अशिया हैं जिनसे हमारी खुराक क्या होती है कलील मिकदार में डालते हैं, ज़्यादा मिकदार में नहीं डालते क्योंकि ये केमिकल होते हैं, इसलिए ये कलील मिकदार में डालने से ही अपना असर दिखाते हैं। इसकी वजह से जो है खुराक महफूज रहती है, खुराक ज़ाय नहीं होती। इसके अलावा खुराक को डब्बू में बंद करना, खुराक को डब्बू में बंद करना, डब्बों के अंदर खुराक को बंद करके भी हम खुराक को महफूज कर सकते हैं। आज कल के इस दौर में डब्बे के अंदर खुराक को डब्बे के साथ उसे हीट करते हैं, इसकी वजह से उसके बैक्टीरिया वगैरह लोग खत्म हो जाते हैं, जरासीम वगैरह खत्म है, जिसकी वजह से खुराक जो है वो महफूज हो जाती है। इसके अलावा जी फलों को, खुश्क फलों को, खुश्क फल जो होते हैं उनको महफूज करना है या सब्जियों को महफूज करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, छीलेंगे उन्हें, उबालेंगे, उबालने के बाद फिर क्या करेंगे उसका छिलका उतारेंगे, छिलका उतारने के बाद उसको रख देंगे, उसके अंदर आम सा नमक मिलाना है, जब नमक मिला देंगे तो वो चीज़ जो है ज़ाय होने से महफूज रहेगी। इसके अलावा जनाब जो है तापकारी शुआएँ होती है, इसे गैमरेज कहते हैं, गैमरेज के अंदर एक ऐसी सलाहियत होती है जो खुराक को ज़ाय होने से महफूज रखती है। तो खुराक जब जो है गैमरेज जो होती है जब खुराक में से पास होती है तो जरासीमी को तबाह करती हैं, जरासीमों को तलफ करती हैं, बैक्टीरिया को ख़त्म करती हैं, जिसकी वजह से वो खुराक जो है ज़ाय होने से महफूज हो जाती है। ये थे हमारे पास चंद तरीके जिसमें आप ऐसी जाम जली वगैरह हैं उसको भी आप जो है इसी तरह इनसे मैं जो है महफूज कर सकते हैं।